Hello everyone, Ji, Assalamu Alaikum. My name is Irfan Mahmood and I'm the CEO of Blackstone School of Law and Business. And I'm here to answer your questions about a law program and law study. So agar aapke koi bhi questions hain about the LLB program or the LLM program or the bar transfer course, I'm here to answer those. Blackstone School of Law is a recognized teaching center for University of London for the LLB program and for the law program. So agar aapke koi questions hain about the law program, please write down your questions in the comment section and I'll be able to answer. Main thoda sa bata dun ki normally when you think of studying law, there are two options in Pakistan. Ek aap local law study kar sakte hain Pakistan se aur ek aap University of London ka external law study kar sakte hain. To in dono mein difference kya hai? Ek to duration ka difference hai. Jo local law hai, that takes 5 years of study, और जो University of London का law है वो that takes around 3 years of study. Other than that difference, another difference is कि जो Pakistani law है that is focused basically on Pakistani judgments and Pakistani law, लेकिन University of London का जो law है it's it touches on the basics of law in more depth. क्योंकि हमारा जो law है Pakistani law, it has been derived from the UK common law system. तो जो कॉमन लॉ का सिस्टम हमारा है उसको अगर आपने उसमें क्रिमिनल लॉ के अंदर इंटेंशन को अगर आपने स्टडी करना है कि एक पर्सन जिससे क्राइम कमिट हुआ है तो उसकी वो इंटेंशन थी कि नहीं थी, तो उसके लिए हम जो पाकिस्तान में भी जजमेंट्स फॉलो करते हैं दोज आर फॉलोड बाय द जो हम वो फॉलो करते हैं दोज आर फ्रॉम द यूके. अच्छा, आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम खाकान अशरफ कि इज़ ब्लैकस्टोन अप्रूव्ड बाय एचईसी. जी खाकान, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डिग्री प्रोग्राम्स हैं एलएलबी, एलएलएम, बीबीए, दे आर ऑल अप्रूव्ड बाय एचईसी. जो स्पेशली लॉ प्रोग्राम्स हैं दे आर ऑल्सो अप्रूव्ड बाय पाकिस्तान बार काउंसिल, एंड जो लोकल बार काउंसिल हैं हमारी पंजाब बार काउंसिल है या हमारी जो सिंध की बार काउंसिल है उनसे वो अप्रूव्ड हैं. एंड द डिग्री इज़ नॉट ओनली रिकगनाइज हेयर इन पाकिस्तान बट इट इज़ ऑल्सो रिकगनाइज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इस डिग्री के बाद आप अगर अमेरिका से एल एल एम करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं. एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप लेट्स से कि अगर आपने पाकिस्तान से लोकल लॉ, पाकिस्तानी लॉ स्टडी किया है तो उसके बाद अगर आप जाते हैं बाहर और बाहर जाके आप स्टडी करते हैं बार एट लॉ करना चाहते हैं, तो आप बाहर जाके बार एट लॉ नहीं कर सकते, आपको पहले ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ करना पड़ेगा. तो ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ करेंगे और उसके बाद जो है 1 ईयर का वो होगा और फिर आप बार एट लॉ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री करते हैं तो यू विल बी एबल टू गो टू यूके एंड डू योर बार एट लॉ डायरेक्टली, आपका एडमिशन होगा और आप जो है एलएलबी के फौरन बाद बार एट लॉ कर सकते हैं. अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो जहां शेर पूछ रहे हैं अबाउट बीबीए के बाद कितने साल का लॉ होता है. जहां शेर, जो हमारा लॉ का प्रोग्राम है दैट इज़ अगर आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है या आपके पाकिस्तान की अगर आपकी एजुकेशन और 16 ईयर्स हैं तो आप 2 ईयर्स में अपना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ का प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं. उसको हम ग्रेजुएट एंट्री कहते हैं. उसमें बेसिकली होता यह है कि आपके कुछ कोर्सेज एग्जम्प्ट हो जाते हैं और सेकेंड ईयर में आपका कोर्स लोड ज़्यादा होता है तो जो है और आप जो है ना 2 ईयर्स में अपना एलएलबी कंप्लीट कर सकते हैं. अगेन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अगर जहानशेर आपको कोई और क्वेश्चन है तो लेट मी नो. अगेन फॉर एवरीवन, हमारे जो लिंक हैं फॉर द एलएलबी प्रोग्राम, फॉर द एलएलएम प्रोग्राम एंड फॉर द बार ट्रांसफर कोर्स, वो जो है ना इस पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं. मोहम्मद इब्रार पूछ रहे हैं कि व्हेन आर द क्लासेस स्टार्टिंग. तो हमारे इस साल की क्लासेस दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, तो आप जो है ना वो क्लासेस हमारे साथ ले सकते हैं और आप जो है ना यू कैन जॉइन एनी टाइम एंड स्टार्ट द क्लासेस. अगर आप 1 मंथ बाद अगर अप्लाई करते हैं या 1 मंथ बाद ज्वाइन करते हैं तो यू विल हैव मिस्ड सम ऑफ द क्लासेस. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अभी जो है ना ज्वाइन करें. हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अगस्त, सो तब से हमारी क्लासेस चल रही हैं और मिड ऑफ अगस्त या लास्ट वीक ऑफ अगस्त से. अच्छा, तलाल एजाज कह रहे हैं एलएलबी 3 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम की फ़ी कितनी है. अच्छा तलाल, इसमें 2 तरह की फ़ी होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फ़ी होती है और ब्लैकस्टोन की फ़ी होती है. अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फ़ी भी देख सकते हैं और हमारी फ़ी भी देख सकते हैं. अच्छा, आई वांट टू एम्फसाइज कि हमारी भी स्कॉलरशिप्स हैं, तो अगर आप हमारी स्कॉलरशिप्स के थ्रू अप्लाई करेंगे तो यू विल हैव टू
पे जो है ना, बाकी जो रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग सेंटर है उनसे जो है ना, हमारे पास आपकी फी जो है ना 3 से 4 गुना कम होगी। तो यू विल पे, अगर वहाँ पे 10 लाख चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है ना 3 लाख पे कर रहे होंगे, तो जो है ना आफ्टर स्कॉलरशिप। सो वी डू हैव स्कॉलरशिप्स, आप अप्लाई करें। एंड अगेन वी आर ट्राइंग टू मेक द डिग्री एक्सेसिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक को मौका मिलना चाहिए एक अच्छी एजुकेशन का। अच्छा, अनदर क्वेश्चन इज जो है वो पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस जो है वो हम शुरू में करते हैं या एंड में। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो एलएलबी की डिग्री हम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की करवाते हैं, उसके साथ साथ हम लॉ क्लिनिक करवाते हैं। लॉ क्लिनिक में क्या होता है कि आपको रियल केसेस पे हम काम करवाते हैं, आपको एफआईआर लिखना सिखाते हैं, आपको बेल कैसे करवानी है वो सिखाते हैं, आपको कोर्ट्स में लेके जाते हैं, कोर्ट्स में जजेस के सामने कैसे प्रेजेंट होना है, आपने क्या डिकोरम है, क्या मैनर्स हैं, उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है। सो अगेन वी बिलीव कि आपको हमने बेस्ट चांसेस देने हैं टू सक्सीड आफ्टर यू बिकम अ लॉयर थ्रू ब्लैकस्टोन। सो इफ़ यू डू एलएलबी विद ब्लैकस्टोन, सो आफ्टर डूइंग योर एलएलबी आपको मौका मिलता है कि आप कोर्ट्स में जाके आप जो है इस डिग्री को फुली तरह से यूटिलाइज कर सकें। तो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्रॉम द डे वन, फर्स्ट ईयर से ही हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ना देनी शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी लॉ के ऊपर। तो इट्स द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तानी लॉ बेस करता है यूके लॉ पे, तो आपके पास यूके लॉ का कंप्लीट नॉलेज होता है, और फिर क्योंकि आपने प्रैक्टिस पाकिस्तान में करना है तो हम लॉ क्लिनिक के थ्रू आपको पाकिस्तानी प्रैक्टिस जो है ना वो पहले दिन से सिखाते हैं, ताकि जब हम आप कोर्ट्स में जाएं तो आप प्रिपेयर्ड हों। अच्छा, समीर हसन का क्वेश्चन है, वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर डूइंग दिस एलएलएम कोर्स जो हम एलएलएम ऑफर कर रहे हैं, अगेन वी आर अ रिकग्नाइज टीचिंग सेंटर, वी आर द ओनली रिकग्नाइज टीचिंग सेंटर फॉर द एलएलएम प्रोग्राम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन ऑल द प्रोविंसेस। बाकी सब प्रोविंसेस में कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं है जो एक सीनियर लॉ कॉलेज हो। ब्लैकस्टोन इज अ सीनियर लॉ कॉलेज, वी आर रिकग्नाइज फॉर द एलएलबी फॉर द एलएलएम प्रोग्राम, वी आर द ओनली वन। अच्छा, हमारा ये जो प्रोग्राम है इट्स गियर टूवर्ड्स कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ। सो आप कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ जो है उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एक्सेल कर सकते हैं, आप उसकी जॉब्स कर सकते हैं, आप बाहर जाके उसकी जॉब्स कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ क्वालिफाइंग ग्रेजुएट जो है ना, जीडीएल नहीं है ये, इट्स नॉट इक्वलेंट टू जीडीएल। जीडीएल का पर्पज़ ये होता है कि आप इंग्लिश लॉ पढ़ें और आप बाहर जाके भारत लॉ कर सकें। अगर आपने पाकिस्तानी लॉ किया हुआ है समीर, तो आई वुड एडवाइज़ कि आप हमारे साथ 2 ईयर का ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, पाकिस्तान में रहते हुए जब तक लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं। तो 2 ईयर्स में आपका जीडीएल हो जाएगा, आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री भी आ जाएगी, और वो 2 ईयर्स डिग्री के बाद आप वहाँ जाके बाहर डायरेक्ट भारत लॉ कर सकते हैं। अगेन पाकिस्तानी लॉ के बाद आप बाहर जाके भारत लॉ नहीं कर सकते, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। एक और रास्ता आपके पास ये है कि अगर आपने पाकिस्तानी एलएलबी किया तो आप हमारे साथ बार ट्रांसफ़र कोर्स कर सकते हैं। तो बार ट्रांसफ़र कोर्स में आप हमारे पास स्टडी करते हैं और बाहर आप यूके जाके एग्ज़ाम देते हैं, लिंकन की आपकी मेम्बरशिप होती है। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द यूके, जैसे अगर आपका 1.5 करोड़ लगेगा टू बिकम अ बैरिस्टर, लेकिन अगर आप हमारे साथ बार ट्रांसफ़र कोर्स करते हैं तो मे बी आपके टोटल एक्सपेंस जो होगा 17 से 18 लाख होगा, जिसमें आपकी टिकट और आपका एयर ट्रैवल भी जो है ना इंक्लूडेड होगा और आपका स्टे भी इंक्लूडेड होगा। तो हमारी फीस और जो जो है ना बार ट्रांसफ़र कोर्स की एग्जामिनेशन फीस है, आई थिंक दैट इज़ अराउंड लाइक 12-13 लाख है, जिसमें आप जो है ना बैरिस्टर बन सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डूइंग, वी हैव अ ह्यूज बैच जो हमारे साथ स्टडी करा है। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान जिन जहाँ से पहली दफ़ा बैरिस्टर जो है ना वो बने हैं स्टूडेंट वाइल स्टडिंग इन पाकिस्तान। तो इसका बेनिफिट ये भी होता है कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी चलती रहती है और साथ साथ आप जो है अपना जो है ना बैरिस्टर की स्टडी भी करते हैं भारत लॉ की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आई एम अ बिट, आई ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन अ बिट फास्ट ताकि आप सबके आंसर जो है ना मैं कर सकूँ। तलाल अयाज पूछ रहे हैं कि एडमिशन हो रहा है एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम का और कब तक होते रहेंगे एडमिशन एंड क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तलाल, द क्लासेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, आप ऑलरेडी 2 वीक्स लेट हैं, तो आप जो है ना कॉलेज विजिट करें, वी आर ओपन टुमारो। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हमारे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन एडमिशन टीम में वी हैव हाफ द स्टाफ देयर, तो आप वहाँ पे आके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फ़ोन पे। और जो है ना द बेस्ट वे इसके, आप मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप अप्लाई करें एंड वन ऑफ द टीम मेंबर्स विल रीच आउट टू यू एंड गिव यू ऑल द डिटेल्स।
अगर आपका इकरारनामा पूछने के बीए के बाद कितने कितने साल का है और फी पैकेज बता दें सर। देखिए बीए के बाद आपकी क्योंकि 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आपका जो है ना 3 ईयर्स का एलएलबी होगा और आपकी जो फी है आई थिंक ओवरऑल 3 ईयर प्रोग्राम की फी आपकी 22 लाख होगी, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फीस भी है और हमारी भी है। अगर आप किसी और रिकग्नाइज टीचिंग सेंटर से ये डिग्री करते हैं तो आपकी फी जो है ना अराउंड 45 से 50 लाख होगी। तो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फीस सेम है हर रिकग्नाइज टीचिंग सेंटर में, लेकिन जो रिकग्नाइज टीचिंग सेंटर्स हैं वो जो अपनी फी चार्ज करते हैं उसमें जो है ना हम लोग क्योंकि स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं तो इसलिए अगर आप हमारे पास अप्लाई करते हैं इस सेशन में तो आपके लिए जो है ना फी बहुत कम होगी। इंस्टेड ऑफ 10 से 11 लाख एक साल की फीस देने के बजाय आप जो है ना अराउंड 3 लाख आप फीस दे रहे होंगे हमें और बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की होगी। तो जो है ना अराउंड 6.5-7 लाख आपकी मेरे ख्याल टोटल फीस होगी फॉर 1 ईयर। तो और 3 ईयर्स में आपका प्रोग्राम होगा। हफ्जा खान अगेन ये डिग्री जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लोकल लॉ से, लेकिन इसके बाद आप डायरेक्ट बारट लॉ कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी लॉ करते हैं और उसके बाद आप बारट लॉ करना चाहते हैं तो आपका जो है ना 1 करोड़ जो है ना जीडीएल में लग जाएगा और 1 करोड़ आपका या 1.5 करोड़ आपका बारट लॉ में लग जाएगा। तो आप बारट लॉ अगर आप बाहर से ही करते हैं लेकिन आप जो जीडीएल की कॉस्ट है वो आप सेव कर सकते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री करते हैं। एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव अगर आप कंपेयर करें अगर आपने बैरिस्टर बनना है या आपने एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है। तो इंशाल्लाह आफ्टर ग्रेजुएटिंग आफ्टर 2-3 ईयर्स आप जो है ना जितनी आपने फीस दी है उतनी आप जो है ना एवरी 2 या 3 मंथ्स में उतनी फी जो है ना आप अर्न कर रहे होंगे इन योर प्रोफेशन। हफ्जा खान कह रही है सर कि हम 3 साल के बाद लाइसेंस मिल जाएगा। सर हम पाकिस्तान से लाइसेंस लेने के बाद हम यूएसए एंड यूके जॉब कर सकते हैं लॉ की या वहाँ अलग जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा? हफ्जा 3 3 ईयर्स के बाद आपको डेफिनेटली लाइसेंस मिल जाएगा पाकिस्तान में। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा लॉ गैट का, वो अगर आप पाकिस्तानी लॉ करते हैं तो फिर भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है लॉ गैट का। एक्सटर्नल लॉ में एक लॉ गैट का एग्ज़ाम होता है और एक और एग्ज़ाम होता है, आइडेंटिकल एग्जाम्स होते हैं। तो 2 एग्जाम देने पड़ते हैं पाकिस्तानी लॉ करने के बाद, एक एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन आपको पाकिस्तान में लाइसेंस मिल जाता है और 3 ईयर्स में आपको मिल जाएगा। दूसरा ये कि आपने अगर बाहर जाके प्रैक्टिस करनी है तो यूएस में ऑफकोर्स आपको वहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा। कैलिफोर्निया, अगर आप पाकिस्तान में लाइसेंस लेने के बाद कैलिफोर्निया जाती हैं तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकती हैं, वहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करके बाहर एग्जाम दे के प्रैक्टिस कर सकती हैं। अगर आपने यूके जाना है और यूके जाके प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे साथ बार ट्रांसफ़र कोर्स करेंगी। बार ट्रांसफ़र कोर्स करने के बाद आप जो है ना यूके जाके एग्जाम देंगी, आपको बारट लॉ मिलेगा और फिर वहाँ पे आप प्यूपलेज के लिए अप्लाई करेंगी और प्यूपलेज के बाद आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकती हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है कि फिज़िकल क्लासेस, देखिए हमारी फिज़िकल क्लासेस पिछले हफ्ते तक चल रही थी लेकिन इस हफ्ते लॉकडाउन था तो हमने इस हफ्ते क्लोज की हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम दोबारा ओपन हो जाएंगे तो मंडे से दोबारा फिज़िकल क्लासेस हो रही होंगी। आपको अगर आपने बीए किया हुआ है तो आपको किसी किस्म का फाउंडेशन प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एलएलबी कर सकते हैं 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम। अगर आपने एफएससी की हुई है तो आपका 4 से 6 मंथ्स का फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, 3 से 6 मंथ्स में भी हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना आप एलएलबी कर सकते हैं जो है ना, और आपका 3 3.5 ईयर में आपका जो है ना एलएलबी कंप्लीट हो जाता है। जी बिल्कुल, अगर आपने किसी भी रिकग्नाइज टीचिंग सेंटर से अगर आपने बीए किया हुआ है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो आप उसके बाद जो है 3 ईयर एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 4 ईयर का बैचलर्स किया हुआ है तो आप 2 ईयर एलएलबी में भी जो है ना एडमिशन ले सकते हैं। हमारा तलाल एनुअल सिस्टम है, सो आफ्टर एवरी 1 ईयर आप एग्ज़ाम देते हैं तो जो है उसके बाद, और हर साल 4 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के बाद आपके 4 एग्ज़ाम हैं, सेकंड ईयर के बाद 4 है और थर्ड ईयर के बाद 4 है। अगर आप ग्रेजुएट राउट में हैं, आपकी 16 ईयर एजुकेशन है, तो फर्स्ट ईयर में 4 एग्ज़ाम और सेकेंड ईयर में 5 एग्ज़ाम है। थैंक यू सामा फॉर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड दानिश। अच्छा आई थिंक आई जस्ट आंसर योर क्वेश्चन। जहाँ शेयर आपने बीबीए किया हुआ है ना तो उसके आपका फर्स्ट ईयर में 4 एग्ज़ाम्स होंगे, 4 कोर्सेज आप पढ़ेंगे और उनके एग्ज़ाम देंगे, और सेकंड ईयर में आप 5 कोर्सेज पढ़ेंगे उनके एग्ज़ाम देंगे, और आप टोटल 12 कोर्सेज होते हैं लेकिन आपके 3 कोर्स एग्जम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। अगेन हमारी स्कॉलरशिप्स जो है ना अभी हैं, आप जो है ना अप्लाई करें इससे पहले कि वी रन आउट ऑफ स्कॉलरशिप्स और सीट्स, ताकि आप जो है ना हमारी जो है ना प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें और इस डिग्री को जो है ना कम्प्लीट कर सकें। सैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एलएलबी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रोग्राम। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है ना वो बिलीव करती है
of giving a chance to every student. And Blackstone also believes in providing accessible education. So hum log scholarships dete hain, we encourage a lot of students to join us, and without any examination or without any entry barrier. Yahan pe ek cheez jo aapko jo hai na zehen mein rakhni padegi ki the program does require jo hai na continuous classes aapko leni padengi. Agar aap classes miss karenge to aapko thoda sa mushkil hogi ye degree pass karne mein. So I would advise ki aap jo hai na join karein, classes le, and then you can become get this prestigious degree from the prestigious institution, University of London. It's a 158-year-old institution, and because of that institution, aapki jo hai na degree worldwide acceptable hogi. Acha, next question hai ji. Acha, Nomal Chand keh rahi hain ki jo overseas students hain, wo kaise pad sakte hain? नॉर्मल हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ओवरसीज से हैं, एंड दे डू स्टडी विद अस. वो हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो हमारे साथ फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं, लेकिन देर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट्स. आप हमारे साथ एनरोल हो सकती हैं. वी डू हैव स्टूडेंट्स करंटली फ्रॉम US, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, मॉरिशस. हमारी थोड़ी सी एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को, ओवरसीज स्टूडेंट्स को हम अलाउ करते हैं जो उर्दू जानते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी लॉ बहुत डिस्कस करते हैं अपनी क्लासेस में. हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं हम उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहते. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू. तो अगर आप उर्दू में, इफ़ यू आर वेल वर्स्ड इन उर्दू, तो आप जो है ना हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं, और आप हमारे साथ जो है ना रिमोटली स्टडी कर सकती हैं. स्पेशली इन द पेंडेमिक, जैसे पेंडेमिक चल रहा है, तो हमारे पाकिस्तान में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ क्लासेज हमारे पास लेते हैं और बाकी जो है ना रिमोटली लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कम्प्लीटली रिमोटली क्लासेज ले रहे हैं अभी. SAT is not required after A levels, और जो है अगर आपके 2 A-level passes हैं उमेर, तो you can get admission. So the requirement is that you should have at least 5 O-level passes and 2 A-level passes. I know in some of the institution you need 3 A-level passes and 8 O-level passes, but with University of London, again they believe in access to education, they believe in giving you a second chance, they believe in you getting into a good degree. Then they ensure quality. वो quality ऐसे ensure करते हैं कि you don't pass the first year if you are not studying hard enough. If you are not studying well enough, तो you won't be able to pass the first year. So वो इस तरह से quality ensure करते हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ती है और फिर आप इस degree में आगे progress करते हैं. अनवर, हमारी जो scholarships हैं अभी कुछ, हमारी scholarship तो first come first serve basis में हैं, तो you don't need excellent marks, you don't need to give a test. उसमें फिर ये होता है कि अगर we already give general, हमारी जो scholarship है वो आपको मिल जाएगी. अगर उसके ऊपर आपको scholarship लेना चाहते हैं, तो अगर आपके 85% से ऊपर marks हैं, अगर आपके 3 A stars हैं A level में, तो फिर हम आपको और भी further scholarship भी दे सकते हैं. और अगर आप हमारे साथ join करते हैं और first year में आप जो है ना distinctions लेते हैं, 2 or 3 distinctions लेते हैं, तो फिर हम आपको further scholarship दे सकते हैं. Again, in all the recognized teaching center we are charging the most affordable fee. So aap jo hai na apply kare hamare admission form se, so we can guide you further. Mughis, aapka per year expense University of London ki fee mila ke jo hai na wo pehle saal I think around 7 to 8 lakh hoga, aur fir next 2 years mein jo hai na 6 to 7 lakh hoga. Second year ka fir 6 to 7 lakh, third year ka total aapki fees I think jo banegi wo banegi around 22 to 23 lakh जो होगी फॉर द 3 year प्रोग्राम. अगेन द डिग्री, आपको जो डिग्री मिलेगी वो ब्लैकस्टोन की नहीं होगी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की होगी. आपकी ग्रेजुएशन पाकिस्तान में भी होगी, आपकी ग्रेजुएशन UK में भी होगी. आप इस डिग्री के बाद दुनिया में कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट बारेट लॉ कर सकते हैं. पाकिस्तानी लॉ के बाद आप डायरेक्ट बारेट लॉ नहीं कर सकते. सो अगेन इट्स अ बिट एक्सपेंसिव दैन डिग्री फ्रॉम अ पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तानी LLB से, लेकिन इट्स वेरी लेस एक्सपेंसिव फ्रॉम एनी UK यूनिवर्सिटी. अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री UK जाके लेते हैं, तो आपका एक साल का जो खर्चा है, उतने में यहाँ पे आप 3 साल अपने कंप्लीट कर सकते हैं. उमेर, आपका जो क्वेश्चन है कि अगर आप O-level के बाद फाउंडेशन करके अगर आप करते हैं LLB, तो उसके बाद आप CSS के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है. देखिए, फाउंडेशन के साथ अगर आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप फाउंडेशन के दौरान आप जो है ना
सिंपल एग्जाम दे सकते हैं, इंटरमीडिएट एफए के एग्जाम दे सकते हैं। तो जो है ना उसमें फिर आपका टाइम भी बच जाएगा, आप फाउंडेशन और एलएलबी के साथ साथ आप जो है ना एफए के एग्जाम दे दें, और जो है ना ताकि आपकी जो है ना इंटरमीडिएट की जो सॉरी हाँ इंटरमीडिएट की आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी होनी चाहिए। तो आपका ओ लेवल होना चाहिए या मैट्रिक होना चाहिए, फिर ए लेवल या इंटरमीडिएट होना चाहिए, और फिर एलएलबी होना चाहिए। तो फाउंडेशन जो है वो आपको हेल्प करता है विद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एडमिशन एंड गेटिंग इनटू द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लेकिन इट कैन बी इक्वलेंट टू 2 ईयर्स ऑफ एफएससी, लेकिन जो है जो आई एम नॉट श्योर कि आप जो है ना इफ दैट इज द बेस्ट राउट, क्योंकि यू शुड नॉट टेक अ चांस, यू कैन सेव 1 ईयर, वो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं कि वो लेवल के बाद आप हमारे साथ फाउंडेशन करें और उसके बाद आप एलएलबी में एडमिशन लेके एलएलबी स्टार्ट कर दें, और जब आप फाउंडेशन और एलएलबी के फर्स्ट ईयर में होंगे आप साथ साथ जो है ना इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हैं। ए लेवल के एग्जाम में रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो इंटरमीडिएट में आप कम टाइम दे के आप प्राइवेटली कर सकते हैं इंटरमीडिएट। तलाल अजीज आपका क्वेश्चन है कि एफएससी के बाद फाउंडेशन क्यों करना पड़ता है। देखें ए लेवल जो है ना इज 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, उसके बाद आपका 3 ईयर्स का एलएलबी होता है, आपके 16 ईयर्स पूरे हो जाते हैं। अगर आप एफएससी के बाद आते हैं तो आपके 12 ईयर्स होते हैं और फिर 3 ईयर्स का एलएलबी होता है, तो आपके 15 ईयर्स होते हैं, तो आपका 1 ईयर मिसिंग होता है। और फिर दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम में अगर आपने जाना है, 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम एडमिशन लेना है, तो एफएससी डज नॉट मेक यू एलिजिबल, तो उसमें फिर आपको फाउंडेशन करना पड़ता है और फाउंडेशन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा अनवर खान कह रहे हैं कि उन्होंने 1 साल मिस कर दिया है, उनका गैप ईयर है। अगेन विद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन देर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन, देर इज़ नो गैप रिस्ट्रिक्शन, अगर आप 40 ईयर्स के भी हैं तो आप इस डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, आप ये डिग्री कर सकते हैं। अगर आपका 10 ईयर्स का गैप भी है स्टडी में तो आप ये डिग्री कर सकते हैं। समीर इसकी 2 ईयर्स की कॉस्ट आपकी आई थिंक वुड बी अराउंड 16 to 17 लाख होगी। जो है ना आप एडमिशन टीम के साथ इन टच हो सकते हैं, आप हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो एंड दे कैन गाइड यू विद कंप्लीट डिटेल्स, जो फी की डिटेल्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बॉल पार्क नंबर दे दिया है। आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, आफ्टर BA एंड MA और 4 ईयर्स ऑफ बैचलर्स आप जो है ना इसमें एडमिशन ले सकते हैं 2 ईयर LLB में। अच्छा उमैर आपका क्वेश्चन ये कि बाहर ट्रांसफ़र कोर्स जो हम करवाते हैं उसमें हमें बाहर जाने की ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए। जी आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, आप पाकिस्तान में हमारे पास प्रेपरेशन करते हैं और आप एग्ज़ाम UK में होता है, और आपके डिनर्स होते हैं लिंकन जिन के साथ, आपके एडवोकेसी सेशंस होते हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके साथ, तो आपको बाहर जाके वो करने पड़ते हैं। जी फैसल दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप 2nd ईयर रिजल्ट से पहले आप फाउंडेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आप साथ साथ फाउंडेशन कर लें और उतनी देर में आपका 2nd ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, और फिर आप एफएससी का रिजल्ट 2nd ईयर का रिजल्ट प्लस फाउंडेशन को यूज़ करते हुए आप जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आपका एडमिशन हो जाएगा, और फिर आपका 3 ईयर्स में एलएलबी ख़त्म हो जाएगा। फाउंडेशन वुड बी जस्ट 4-5 मंथ्स का फाउंडेशन होगा। जी अहमद अली आपके लिए टू अप्लाई फॉर द बार ट्रांसफर कोर्स आपका लाइसेंस होना चाहिए, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप बार ट्रांसफर कोर्स में जो है अप्लाई कर सकते हैं, और एलएलएम होने की वजह से ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा हेल्प होगी, आपको जो है ना डिग्री जो है ना बार स्टैंडर्ड बोर्ड में एक्सेप्टेंस लेटर एग्जम्पशन लेटर आने की, और फिर लिंक्डइन की मेम्बरशिप में। अच्छा नोमल आप ओमान में काम करते हैं तो आपकी जो फीस है हम आपसे कोई एक्स्ट्रा फी नहीं चार्ज करेंगे, जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उतनी ही फी चार्ज करेंगे। जो आपकी टोटल फीस होगी डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन, अगर तो आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आपकी फीस 17 to 18 लाख होगी टोटल फीस, जिसमें लंदन की भी फीस है और हमारी भी इंक्लूडेड है। जैसे लंदन की जो है वो 11-12 लाख तो लंदन की फीस है टोटल प्रोग्राम की, और जो है ना बाकी जो है 6-7 लाख वो हमारी फीस है। अगर आपका 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है आपके कम है तो फिर आपका 3 ईयर्स का एलएलबी होगा, फिर आपका 22 to 23 लाख है जिसमें अगेन 10-11 लाख उनका और बाकी हमारी फीस है। आप हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें अप्लाई करें एंड देन वी कैन गिव यू अ कॉल और हम आपको ज़्यादा डिटेल्स दे सकते हैं। अच्छा
उमेर अभी क्योंकि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक हमारे वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फ्रॉम कराची एंड दे आर स्टडिंग ऑनलाइन एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे कम टू लाहौर, जैसे बार ट्रांसफर के स्टूडेंट होते हैं जो हमारे साथ बैरिस्टर बन रहे हैं, दे कम टू लाहौर एंड दे स्टडी विद अस फॉर 2 or 3 weeks एंड देन दे गो बैक। अनवर आपने अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो आप हमारे जो है ना एडमिशन फॉर्म फिल करें एंड देन यू कैन जो है ना हमारी एडमिशन टीम जो है ना वो आपको हेल्प कर देगी विद स्कॉलरशिप। एक्चुअली वी आर द ओनली सीनियर लॉ कॉलेज इन एनी प्रोविंस इन पाकिस्तान, सो एंड वी आर द ओनली वन रिकग्नाइज बाई यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन फॉर द LLM प्रोग्राम। तो आप हमारे साथ जो है ना LLM कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी LLB किया हुआ है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का LLB करते हैं तो उसके बाद भी आप LLM कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी LLB करते हैं तो उसके बाद भी आप LLM कर सकते हैं। तलाल, आई एम गोइंग टू टेक वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई थिंक आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन नाउ। तो आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर टू मोर क्वेश्चन। फाउंडेशन प्रोग्राम जो है उसकी अलग से फ़ी चार्ज होगी? जी तलाल, आपकी जो फाउंडेशन प्रोग्राम की फ़ी है वो अलग से चार्ज होगी और जो है ना वो डिटेल आपको एडमिशन टीम जो है ना वो प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो मैंने टोटल फीस बताई है उसमें फाउंडेशन की इंक्लूडेड है और हमारी जो स्कॉलरशिप है उसके बाद उसमें जो है ना फाउंडेशन की फ़ी इंक्लूड करके मैंने आपको बताई है। तो जो है बाकी अदर इंस्टीट्यूशन से अगेन यू विल बी पेइंग द आई थिंक 2 to 3 times लेस जो इंस्टीट्यूशनल फ़ी है। येस, आफ्टर डूइंग योर LLB यू कैन डू अ मास्टर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान और अब्रॉड इन एनी प्रोग्राम। यू कैन डू एन MBA, आप हार्वर्ड जा सकते हैं, हार्वर्ड से LLM कर सकते हैं, आप स्टैनफोर्ड से LLM कर सकते हैं, बर्कले से कर सकते हैं, लम से पाकिस्तान में कर सकते हैं, UMT से आप कर सकते हैं। द डिग्री इज रिकग्नाइज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन जो है पाकिस्तानी आप मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना मास्टर्स नहीं करेंगे इस डिग्री के बाद, क्योंकि ये डिग्री इतनी इन डेप्थ है। द ओनली वे यू विल एवर बी सेटिस्फाइड आफ्टर दिस डिग्री इज इफ़ यू डू अ मास्टर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, अ गुड यूनिवर्सिटी अब्रॉड, और यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस एंड यू डू योर भारत लॉ। अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो प्लीज डू लीव योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड विल द टीम विल रीच आउट, हमारी सोशल मीडिया टीम विल रीच आउट एंड दे विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। अगेन बेस्ट ऑफ लक, आई नो दिस इज अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम एंड आई नो यू गाइज आर ऑल ट्राइंग टू डिसाइड टू मेक द बेस्ट एंड द राइट डिसीजन एंड आई होप वी कैन हेल्प यू इन मेकिंग द राइट डिसीजन एंड वी कैन प्रोवाइड यू एज मच सपोर्ट एज वी कैन। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।